सो मैं अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मेरा बर्थडे बहुत ही ज्यादा स्पेशल बनाया। ये बर्थडे था सारे कलर के, एक स्पार्कल पेन, एक ऐसा पेन है लिखो के दिखे नहीं और फायर से दिख जाएगा। अपने सारे गिफ्ट दिखाऊं। आज है 16 दिसंबर और आज मेरा एक टेस्ट था तभी मैं आज इतना लेट ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूं। तो चलो मैं आप लोगों को अपने सारे गिफ्ट दिखाता हूं। सबसे पहला गिफ्ट आता है मेरे पास ये मैजिक ड्रम, जिसमें मैजिक की बहुत सारी चीजें हैं। मैंने तो आजकल बहुत सारे मैजिक देखते हैं यूट्यूब पे, जो कार्ड्स का कर देते हैं ना, मैं एकदम शॉक हो जाता हूँ। तो ये है हमारे स्नीकर्स जो अभी मैं लेकर आया हूँ बुआ के साथ। बहुत अच्छे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना शूज। हाँ। कितने अच्छे हैं। हाँ सुनो, तो आप इनको 5 में से कितनी रेटिंग दोगे? 3 या 4? 4 या 5 या 4? अच्छा ठीक है, तो ये इन शूज को पूरी रेटिंग मिल चुकी है। अभी मेरे पास पेन के सेट एक और आ गया है। मैं बहुत ही ज्यादा फील अच्छा करता हूँ जब मेरे पास पेन आते हैं। मैं पेन कलेक्ट करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है मेरे को। चलो चलते हैं नेक्स्ट गिफ्ट की तरफ। नेक्स्ट गिफ्ट हमारे पास 3 की 3 चॉकलेट्स है। चॉकलेट्स ने 100 मार दी, तो इसको यहीं पे रखते रहते हैं। और फिर हमारे पास आते हैं पोकेमॉन कार्ड। मेरे जो टीम मेंबर्स हैं मानव उन्होंने मेरे को ये गिफ्ट करे थे पोकेमॉन कार्ड, उसे साइड में रखते हैं। और ये बर्थडे से पहले मैंने ली थी, मतलब मामा ने मेरे को सारी की सारी किट दिला दी थी फुटबॉल की। तो ये किप्स्टा की बॉल है येलो कलर की, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की है और मैंने इससे बहुत ज्यादा फुटबॉल भी खेला है। इसकी अच्छी, इतनी अच्छी क्वालिटी है ना, मैं जब से लाऊं मैंने इतना भी नहीं खेला क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे हैं। इसकी हवा अभी तक इतनी कम नहीं हुई है, तो अभी हम इसे साइड में रखते हैं। तो ये दिया था मौसी ने रौनक भैया से, फोन करके बोला था कि ये ऑर्डर कर देना। तो इसमें इतने अच्छे अच्छे कार्ड निकले थे ना, सारे के सारे जीएफ निकले थे और मेरा फेवरेट कार्ड भी निकला था इसमें, तो इसको साइड में रखते हैं। और ये मेरे को डायरी मिली थी, आजकल मेरे को डायरी लिखना भी अच्छा लगने लगा है। जब से डायरी आया मेरा मन करता है कि मैं हर रोज डायरी लिखूं जो भी मैंने एक्टिविटी करी है आज। तो अभी मैं आप लोगों को, जो मेरे फ्रेंड्स थे इस बर्थडे को फन बनाने के लिए, थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और ये जो लवली गिफ्ट है उसके लिए भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सो मैं अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मेरा बर्थडे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनाया। ये बर्थडे था भी स्पेशल क्योंकि बहुत महीने के बाद सारे फैमिली मेम्बर्स एक जगह पर असेंबल हुए थे, तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन करा। और अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग गिफ्ट, जो कि है GoPro। GoPro पापा ने मेरे को एक दिन बाद दिया था बर्थडे के, तो मेरे को ये बहुत ज़्यादा यूजफुल लगा। जो अभी तक व्लॉग्स आ रहे हैं वो सारे इसी से आ रहे हैं, हालांकि मैंने इसको यूज़ करके देख लिया है, बहुत व्लॉग्स आ चुके हैं इससे, पर इसकी इतनी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और इसकी रिकॉर्डिंग भी क्वालिटी भी अच्छी है। तो इसे चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा लग रहा है दिखने में। ये रहा GoPro का डब्बा, हम खोलते हैं।
हमारा GoPro, इस पर हमने सारे स्क्रीन गार्ड वगैरह लगा दिए थे कैमरा प्रोटेक्शन की वजह से, अगर कोई डस्ट वगैरह आती है तो वीडियो की क्वालिटी डाउन ना हो, इसलिए लगा दिया। और प्रोटेक्शन के भी एक पॉइंट ये भी है कि प्रोटेक्शन के लिए भी लगाया हम लोगों ने, तो इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगती है कि ये हमारे सेटअप को इतना हैवी नहीं बना देता। तो अभी मैं इसको रखता हूँ और आप लोगों को एक चीज़ और दिखाता हूँ। तो अभी हम चलते हैं इस छोटे डब्बे और बड़े धमाके पर। इसमें इतनी सारी एसेसरीज है ना, मैं अभी तक गिन भी नहीं पाया, इतने सारे माउंट्स है मेरे को, तो अभी इन सबके फीचर्स भी पता नहीं चले। सबसे पहले हमें मिलते हैं एक सेल्फी स्टिक, ये छोटी सी लग रही होगी आप लोगों पर, मेरे से भी जब मैं बैठा हूँ उससे भी लंबी है ये, तो अभी इसे रख देते हैं। और हमने एक साथ में माइक भी खरीद लिया, इन फ्यूचर जब हम राइडिंग राइड पे जाएंगे हमारी बुलेट पे, तो हम इसे अपने हेलमेट पे माउंट कर लेंगे, तो जैसे हमारा GoPro हवा जब आती है तो इतनी अच्छी वॉइस कैप्चर नहीं कर पाता, तो हमने ये माइक लिया है। और साथ में हमारे पास एक वाटर स्टैंड, अगर हम स्विमिंग करते समय GoPro को इस पर माउंट करेंगे तो अगर हमारे हाथों से GoPro छूट जाता है तो फिर ये फ्लोट करेगा, जैसे वो बोर्ड फ्लोट नहीं करती तो ये उसको सहारा देगा। सेकंड आता है हमारा ये हल्का फुल्का ट्राइपॉड, जिसकी क्वालिटी मेरे को इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, मैं इससे इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं था, पर चलो ठीक है, कभी कभार यूज़ में आ जाता है घर में ऐसे, मतलब छोटा सा छोटे छोटे सीन्स बनाने के लिए जो भी शॉर्ट्स होते हैं। तो मैंने अभी तक काउंट भी नहीं करे इसमें कितने सारे माउंट है, और इसमें वो भी है चेस्ट में माउंट करने वाला, सर में माउंट करने वाला, जब भी मैं खेलूंगा तो मैं इन फ्यूचर कभी भी सर में माउंट करूंगा या फिर। तो हमने साइड में लिया है एक GoPro का माइक अडेप्टर, जो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है हमें व्लॉगिंग करने के लिए, क्योंकि हम इसमें माइक माउंट कर सकते हैं, GoPro में एक भी सिस्टम नहीं है कि हम माइक उसमें प्लग कर सके, तो ये मैं स्टैंड पर अपने फिक्स करके प्लग भी कर सकता हूँ। स्टैंड में नहीं, हमने एक केल ले रखा है, उसमें यह जो नीचे स्क्वायर बना हुआ है ना, इसके अंदर ये डाल के फिर उसमें हम इसको प्लग कर सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेरे गेमिंग हेडफोन, जो कि रौनक भैया ने गिफ्ट करे थे। जब मैं एडिटिंग करता हूँ तो ये मेरे को अच्छी साउंड क्वालिटी देते हैं, और ये है MI कंपनी के। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मम्मी पापा ने कैसे मेरे को GoPro सरप्राइज दिया था इन द मॉर्निंग, जब मैं उठा था, मैं क्लास कर रहा था, और सडनली पापा ने आके बोला कि ये छोटा सा मोटा सा गिफ्ट है, कि इसमें पेंसिल्स है, और जब मैंने खोल के देखा ये धमाका पेंसिल मिल गई हम लोगों को। तो जो भी जिस शॉप से मैंने ये सारी एसेसरीज ली है, उस शॉप को मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, उनको मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करा था कि मैं कैसे कैसे ये सब माउंट कर सकता हूँ। तो फिर हेलो पेंसिल बॉक्स खरीदा चाहिए, GoPro तो अभी हमने ले लिया है एसेसरीज GoPro की सारी, और हमने इन अंकल से खरीदा है, अंकल ने सारा सामान दे दिया है, ये पूरी की टेक GoPro की, मतलब वैसे बुला बड़ा बना के कहीं गए, देखा है मैंने आपका, तभी तो मैं सीधा यहाँ आया, हम सीधा यहाँ पे आए हैं। अंकल की शॉप का नाम पूछूं? अंकल आपकी शॉप का नाम सर फोटो स्टोर। ओके, तो अभी बस हम अपना GoPro माउंट सेट करके ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे।
क्या करता है उसमें? ब्लॉगिंग करता है। तो ब्लॉगिंग किस टाइप की? डेली ब्लॉगिंग, शॉर्ट्स, ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग, घूमने का। हाँ जी हाँ जी। आप डाल उसमें क्या देख रहे हो? ओजस द ब्लॉगर नाम से आप देखो। किस नाम से? ओजस द ब्लॉगर। ओजस सर्च मोबाइल में डाल दे। हाँ टोटल टॉप ही आ जाएगा उसमें। उसमें करके किस में मतलब डालना है मेरे को भी नहीं पता किस किस में। ऐसी सपोर्ट दिखाते रहना। हम 500 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा क्लोज हैं और ऐसी सपोर्ट करते करते हमारे 1K भी करा देना। और आप लोग फुल वीडियो देखा करो ताकि हमारे 4000 वॉच टाइम कंप्लीट हो पाए और हमारा चैनल वो वेरीफाई हो जाए। तो अभी मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। होप आपको अच्छा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना मैं कहाँ पे इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो हैव अ गुड डे।